झांसी में एक बार फिर से बाबा को बुलडोजर गरजे है। शहर के सीपरी थाना क्षेत्र के खोड़न इलाके में हरकिशन कॉलेज के पास समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद गुलशन यादव पे आरोप हतो कि उन्होंने 90 लाख रुपया की जमीन पे दबंगई से कब्जा करे और ये पूरे मामले में पीड़ित उर्मिला और अंकित नाम के फरियादियों ने शिकायत करी और फिर पुलिस प्रशासन पूरे फोर्स के संग पहुंचे और जमीन कब्जा मुक्त कराई। यहाँ पर हदबंदी के दो हमारे प्रार्थना वो मिले थे जो कोर्ट से हमें आर्डर हुए थे, इसमें उर्मिला और अंकित अग्रवाल दो लोगों के हदबंदी के आदेश कोर्ट से प्राप्त हुए थे, जिसको लेकर यहाँ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोग उपस्थित होकर हदबंदी की कार्रवाई किए, जिसमें पाया गया उर्मिला देवी की लगभग 1000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा इनका गुलशन यादव का तबेले के रूप में किया गया था, तो उसको जो है जो कब्जा उनको दिलवाया गया उर्मिला देवी को जी। दूसरा अंकित अग्रवाल का जो था उसका उसके उस पर कोई गुलशन का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया, तो सिर्फ 1000 वर्ग मीटर पर उर्मिला के ही जमीन पर अतिक्रमण पाया गया था। इसका मूल्यांकन कितना होगा? ये लगभग 90 लाख की जमीन होगी जिस पर अवैध अतिक्रमण था। ये पूरी कार्रवाई में सीपरी पुलिस थाना के अलावा झांसी के तहसीलदार कानूनगो लेखपाल समेत तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहे और जी दबंगई के चलते आरोपियों ने फरियादियों की जमीन कब्जाई थी बाद दबंगई अब ठिकाने लग गई। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.